इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में है तो ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है। तो क्या कांग्रेस उस स्थिति में है कि इसका फायदा उठा सके? विनोद जी, मिश्रा जी बहुत जमीनी स्तर से चीजों को समझते हैं गुजरात में, और मैं तो गुजरात लगातार जाता रहा हूँ, बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं, और मैं तो जब पत्रकार नहीं था तब से गुजरात जाता हूँ 1983-82-83 से, और बाद में तो सारे इलेक्शन कवर किए। और मिश्रा जी तो हम तो इनको पत्रकारों का ब्रिगेडियर कहते हैं, वहाँ अकेले जो लोहा लेते रहे पूरे सिस्टम से हमेशा। मैं भी बिल्कुल जो मिश्रा जी ने एनालिसिस किया है, मुझे भी ये धारणा थी या दिल्ली में बैठ के कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान करेगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि अर्बन सेंटर्स में, सूरत में या अहमदाबाद में या बड़ोदरा में, इन सब जगहों पर अगर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है तो ज्यादा नुकसान भाजपा का हो सकता है, ये बात मेरे लिए भी एक तरह से आई ओपनर है। वरना तो एक आम धारणा ये है कि जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है कांग्रेस का वोट वो ले रही है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेकर चिंतित भी है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का चुनाव का जो है नतीजा आते ही अगले दिन वो अहमदाबाद चले गए और उन्होंने वहां रोड शो किया, यानी इतना उनकी प्रायोरिटी में अहमदाबाद और गुजरात है। और पिछला चुनाव 2017 का याद कीजिए, किस तरह वो सी प्लेन पे बैठ करके और आखिर में उन्होंने कैसे चुनाव को प्रभावित किया था, और चुनाव बस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सांस टूटी थी पारे थे पहुंचते पहुंचते, और भाजपा बड़ी मुश्किल से पारा छू पाई थी, लेकिन सरकार बन गई थी। मुझे लगता है कि चुनौती तो भाजपा की बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें कोई और आम आदमी पार्टी के जाने से, अब आम आदमी पार्टी के जाने से कांग्रेस का नुकसान होता है या भाजपा का होता है तो बहुत बड़े विश्लेषण का विषय है, लेकिन दुधारी तलवार की तरह आम आदमी पार्टी वहां घुसेगी गुजरात में। और ये सही है कि रूरल गुजरात हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है और अर्बन गुजरात हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, और केशुभाई पटेल के नेपथ्य के जाने के बाद तो जो थोड़ा बहुत आधार रूरल गुजरात में बीजेपी का था वो कमजोर हुआ, वो कांग्रेस के साथ गया जो, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में लगातार कामयाब रही है, इसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है पिछले चुनाव में देखिए सूरत के 18 सीटें जिस तरह से भाजपा ने जीती थी, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे इस बार कांग्रेस वहां अच्छा करेगी, लेकिन नतीजे उलट गए थे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस बात को समझते हैं, गुजरात में उनके सामने वही समस्या है जो कांग्रेस के सामने समस्या है। कांग्रेस के सामने कभी नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई चेहरा बड़ा नहीं रहा, शंकर सिंह बघेला एक चेहरा हो सकते थे लेकिन कांग्रेस से कभी उनको आजमाया नहीं, और बाकी जो नेता थे अर्जुन मोटवाड़िया, शक्ति सिंह गोहिल, सिद्धार्थ पटेल या वो दूसरे अपने भरत सिंह सोलंकी, ये नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाए किसी तरह से, और इसीलिए कांग्रेस वहां चुनाव हारती रही। पिछले चुनाव में विजय रूपाणी कोई बड़ा चेहरा नहीं थे इसलिए कांग्रेस वो चुनाव बड़ा अच्छा लड़ रही थी, लेकिन मोदी जी ने फिर अपने को आगे कर दिया और सीधे उन्होंने अपने को आगे करके वोट अपने लिए मांगा और वोट उनको मिला। फिर मोदी जी, इस बार भूपेंद्र सिंह पटेल कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पूरी कैबिनेट ही बिल्कुल बदली गई है, तो लेकिन ये भी तय है कि मोदी जी अपने को फिर आगे करेंगे और वो फिर अपने गुजराती अस्मिता के नाम पर, गुजरात के नाम पर वोट मांगेंगे, तो एक तरह से लड़ाई फिर नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरे का संकट है। पंजाब में उन्हें भगवंत मान के रूप में चेहरा मिल गया था जो कि 2017 में उन्होंने नहीं दिया था, गुजरात में अभी तक उनके पास कोई चेहरा नहीं है और कोशिश में है आम आदमी पार्टी कि कोई ना कोई चेहरा उनको मिले। नरेश पटेल के बारे में जैसा कि कहा, नरेश पटेल वहां पर एक बड़ा नाम है पटेलों की राजनीति में, पाटीदार राजनीति में उनका एक बड़ा स्थान है, लेकिन उनकी बातचीत जिस तरह कांग्रेस के साथ चल रही है, और अगर प्रशांत किशोर काम संभालते हैं कांग्रेस के जैसी खबरें आ रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस साथ नरेश पटेल जा सकते हैं। अगर नरेश पटेल कांग्रेस साथ आते हैं तो कांग्रेस को संजीवनी ऊर्जा मिलेगी और फिर मैदान मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होगा, और तब आम आदमी पार्टी एक तीसरे प्लेयर के रूप में वैसे ही लड़ेगी जैसे गोवा और उत्तराखंड और बाकी जगह लड़ी है। अब देखना यह कांग्रेस अपने पत्ते कैसे खेलती है, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी का जो है रणनीति भविष्य तय होगा। गुजरात। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।